क्या लखनऊ का नाम आने वाले दिनों में लक्ष्मणपुरी या लखनपुर हो जाएगा? क्या लखनऊ की पहचान आने वाले दिनों में भगवान लक्ष्मण की मूर्ति से होगी? फिलहाल इस पर सस्पेंस है, क्योंकि न तो सरकारी तौर पर ऐसा कुछ कहा गया है और न ही ऐसा कोई फैसला लिया गया है कि लखनऊ का नाम बदला जाने वाला हो, और न ही अभी ये यूपी सरकार के आधिकारिक एजेंडे में ही है। दरअसल सवालों का ये सस्पेंस इस वजह से केंद्र बिंदु में है क्योंकि भाजपा के आधा दर्जन सांसदों ने लखनऊ का नाम बदलने की मांग कर सियासी माहौल में तपिश भर दी है। जितने ये मुगलिया प्रतीक चले आ रहे हैं, जो हम लोग के देश को गुलाम बनाए, आप दिल्ली में भी देखिए, कई रोड, लोधी रोड, अब्राहिम रोड, क्या मतलब है? मैं देखिए, जो नाम होते हैं वो हमें अपने इतिहास से जोड़ते हैं, और इसीलिए बहुत स्थानों का नाम बदल जाना बहुत आवश्यक भी था। अभी इलाहाबाद का नाम बदला गया, प्रयाग जो है हमारी परंपरा का एक शाश्वत एक प्रतीक है, और या अयोध्या फैजाबाद का बदला गया। जो भी हमारी गुलामी के जो भी ये प्रतीक हैं और जिनके कारण से हम आज भी हमारी मानसिकता में कहीं ना कहीं असर आता है, ऐसे प्रतीकों को अब समाप्त करने का समय आ गया है। अगर आज की बात करें तो लखनऊ का ना तो नाम बदलने जा रहा है और ना ही इसकी पहचान, लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा नहीं होने जा रहा है तो फिर बीजेपी के तमाम दिग्गज सांसदों ने ऐसी मांग क्यों उठाई? ये कोई रणनीति है या फिर एक संयोग मात्र है? भाजपा खेमे से तो इस सवाल का जवाब नहीं आया है, लेकिन इस सवाल के उठने के बाद समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार सावधान हो गए हैं। अखिलेश यादव ने खुलकर कह दिया है कि लखनऊ का नाम बदलने की बात करना गलत है। उन्होंने भाजपा पर बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भावनात्मक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया। नाम बदलने से टेबल को टेबल कर दोगे, टेबल को कुर्सी कह दोगे क्या? टेबल का काम तो उसमें सामान रखने का है, लखनऊ राजधानी रहेगी ना। ये बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। इसी तरीके से स्टेडियम है, लोक भवन है, यहाँ पर कई काम थे गाजियाबाद में। ये नाम बदलने वाली सरकार है, इस बार जनता इन्हें बदल दी। राजनीति में संभावनाओं की कोई सूरत साफ नहीं होती, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। पुरानी कहावत है कि जहां धुआं होता है वहां कहीं ना कहीं आग भी होती है। अब धुएं और आग के सवालों की धुंध के बीच कुछ तो ऐसा है जो पर्दे में है, और यही बात भाजपा के विरोधियों के तनाव को बढ़ा रही है। राम राज्य का दावा करने वाली भाजपा क्या लखनऊ काल चलने वाली है? इस बात को लेकर चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही। लखनऊ का नाम लक्ष्मण भगवान के नाम से, जो लक्ष्मण, चूंकि उनका यहाँ कर्म क्षेत्र, उनका क्षेत्र अयोध्या बिल्कुल बराबर में है, यहाँ उनका पूरा एक तरीके से राज्य रहा है, उनका कर्म भूमि रही है, तो लखनऊ उन्हीं के नाम से बसाया गया है, ऐसा प्राचीन लोगों का कहना है। तो उन्हीं के नाम से ही भगवान लक्ष्मण के नाम से लक्ष्मणपुर या लक्ष्मणपुरी इसका नाम। किसी का नाम से, किसी लक्ष्मण जी से या किसी और महापुरुष से विरोध नहीं है, लेकिन जब रोजी रोजगार के सवालों का जवाब देना चाहिए, जब प्रदेश को आगे बढ़ाने के जनता से जुड़े मुद्दों पे हिसाब किताब देना चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे काम करना चाहिए, उस समय इन सवालों से बचने के लिए ऐसे मुद्दे उछाल दिए जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं जब लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी या लखनपुर रखने की बात चली हो। मांग पुरानी है, चर्चा भी पुरानी, लेकिन इस वक्त जिस तरह से इसे हवा दी जा रही है उसकी खास अहमियत है, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है। चौखट पर इसकी दस्तक सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार को एक बार तय कर लेना चाहिए कि किन किन शहरों के नाम बदलने हैं, एक झटके में सब बदल दें, उसके बाद फिर काम पर ध्यान दें, विकास पर ध्यान दें। शहरों के नाम बदलने से शहरों की न तो तहजीब बदलती है न परंपरा बदलती है। तो ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, ये काम नहीं करते हैं। ये जिलों के नाम बदल करके ये चाहते हैं कि उनको बगैर काम किए वोट मिल जाए, तो ये एक राजनीति का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी जंग यूपी में होने वाली है, ऐसे में राम राज्य की चर्चा के बीच लखनऊ के लक्ष्मण कनेक्शन की कहानी दोहराने का मतलब सीधा तो नहीं लगता, इसीलिए ये मुद्दा चुनावी राजनीति के केंद्र बिंदु में आ चुका है। इस पूरे प्रश्न पर विचार करना चाहिए। लखनऊ का नाम बदल कर आप जब भी करना चाहे, कोई जो लखनऊ के नाम बदलने के जो तौर तरीके हो सकते हैं आप उनको देख लीजिए, लेकिन लखनऊ की सभ्यता को नहीं बदल सकते आप, लखनऊ की तहजीब को नहीं बदल सकते आप, उसकी अदाकारी को नहीं बदल सकते आप। अगर आप क्या लखनऊ की जो एक सांस्कृतिक परम्परा है, एक जो साहित्यिक परम्परा है, लखनऊ के लोगों में को इस प्रदेश की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, क्यों आप जो उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है उसको क्यों ख़त्म कर देंगे आप?
और अगर आप कोई नाम नया रखना चाहते हैं तो उसके पीछे तर्क क्या है? तो ये तो केवल जिस तरह की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है वह उसी तरह की राजनीति के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए ये नाम परिवर्तन का प्रयास है। मुझे लगता है नाम बदलना ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी राजनीतिक कारणों से प्रेरित हो सकता है, क्योंकि उसके बाद जिस पार्टी के कार्यकाल में नाम बदला गया उसे लाभ मिलेगा ही, यह कोई ज़रूरी नहीं है। हम भाजपा के प्रतापगढ़ से सांसद संगम लाल गुप्ता ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे चिट्ठी में कहा है कि मान्यता के मुताबिक भगवान राम ने लक्ष्मण को लखनऊ शहर को तोहफे में दिया था, जिसके बाद इसका नाम लक्ष्मणपुर या लखनपुर पड़ा, लेकिन 18वीं सदी में नवाब आसिफ-उद-दौला ने इसका नाम बदलकर लखनऊ कर दिया। अब भाजपा के सांसद चाहते हैं कि फिर से लखनऊ का नाम भगवान लक्ष्मण के नाम पर रख दिया जाए। हमारी प्रदेश की जनता सनातन धर्म को मानने वाली है, देश की जनता। अगर अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर प्रभु श्री राम का बन रहा है तो लखनऊ का भी नाम चेंज करके लखनपुर करना चाहिए। यह माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा। संगम लाल गुप्ता के इस बयान के बाद भाजपा के कई सांसदों, विधायकों और नेताओं ने इस बात को दोहराया है। कई ने तो इसे बेहद गंभीरता से लेने की भी बात कही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक तक ये कहने से नहीं चूके कि वाकई मान्यता है कि प्राचीन काल में ये शहर भगवान लक्ष्मण से जुड़ा रहा है। अब इसके क्या सियासी संदेश है ये बात भाजपा ने समझने वालों पर ही छोड़ दी है। लखनऊ के बारे में ये सर्वविदित है कि पहले वो लक्ष्मण नगरी ही थी, अब जैसा जैसा स्थितियां हैं उस अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सियासत में संकेतों और संदेशों की बड़ी भूमिका होती है। लखनऊ का नाम बदलने की मांग के बीच लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा भी लगा दी गई। कहा जा रहा है कि यहां से अयोध्या जाने वाले पर्यटक पहले लखनऊ में भगवान लक्ष्मण की मूर्ति के दर्शन करेंगे और फिर अयोध्या में रामलला के, यानी यूपी की राजनीति के अयोध्या वाले राम अध्याय में लखनऊ का लखन चैप्टर भी इसी तरह केंद्र बिंदु में बना रहने वाला है।